यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होता तो इंडिया के पास थार न होता। जितना यह गाड़ी दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इसका अब तक का सफर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सफर 1940 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही शुरू हो गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल द्विज फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। 1940 में विश्व युद्ध विकराल रूप धारण कर रहा था, उसी समय अमेरिका वार डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी। युद्ध में अमेरिकी सेना को बेहद ही खास गाड़ियों की जरूरत थी, जो कि हर इलाके में चल सके, जो टैंक या ट्रक जितना भारी ना हो, जिसे आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सके, जिसे गड्ढे में फंसने पर खुद सैनिक आसानी से बाहर निकाल सके। इसके लिए अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी को सरकार की तरफ से संदेश मिला। इसमें लिखा गया था कि सैन्य अभियान में इस्तेमाल की जा सकने वाली चार पहिया वाहन का डिजाइन तैयार करके भेजे, जो की कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और स्ट्रांग हो, जिसे युद्ध में उपयोग किया जा सके। समय सीमा कम था तो दो कंपनी बैंटम और विलीज ओवरलैंड मोटर्स का जवाब है, लेकिन विलीज कंपनी ने थोड़ा और समय मांगा तो अमेरिकी सेना ने मना कर दिया और ये प्रोजेक्ट बैंटम के हाथ लगी। बैंटम ने गाड़ी का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। सितंबर 1940 में जब बैंटम के प्रोटोटाइप BRC-40 का शुरुआती प्रशिक्षण शुरू हुआ तो सेना को बहुत पसंद आया और उनके उम्मीदों पे खरा उतरा। लेकिन सेना को कम समय में ज्यादा गाड़ियां चाहिए थी। बैंटम ऐसा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए गाड़ी का डिजाइन करने के लिए विलीज को सौंपा गया। विलीज ने 1943 में जीप को एक ब्रांड के रूप में रजिस्टर करा लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक लगभग 6,40,000 जीप बनाई जा चुकी थी। जीपों ने दुनिया भर में युद्ध के मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की। यह एक तरह सेना की मल्टीपर्पज व्हीकल बन गई, क्योंकि इसका यूज एम्बुलेंस के तौर पर भी किया गया और हल्की होने के कारण कहीं फंस जाने पर सैनिक खुद ही इसे निकाल लेते थे। युद्ध समाप्त हो गया और जीप की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। यहीं पर एंट्री होती है दो भारतीय बिजनेस टाइकून, जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा की। उन्होंने जीप देखी और उन्हें जीप बहुत पसंद भी आई। इन महिंद्राज एंड महिंद्राज ने मिलकर विली जीप को भारत में इम्पोर्ट कराने का डील कन्फर्म कर लिया। अमेरिका से 75 विली जीप भारत लाई गई। फिर वो समय आता है जिसका भारत को इंतजार था और 1949 में विली सीजे 3A जीप का प्रोडक्शन कंपनी ने भारत में शुरू कर दिया। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा की बनाई गई पहली ऑफ रोडर व्हीकल थी, यानी कि जो गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते में उपयोग में लाई जा सके। महिंद्रा की बनाई विली सीजे 3A जीप ने भारत में अपना परचम लहराया और धीरे धीरे उस दौर में भारतीय बाजारों में छा गया और भारत के 25% मार्केट पर इसका कब्जा हो गया। इसकी सफलता के 4 साल बाद 1953 में सीजे 3A को अपग्रेड करते हुए सीजे 3B मॉडल लॉन्च किया गया। इस मॉडल की खास बात यह थी कि यह मॉडल 2.2 लीटर हरिकेन पेट्रोल पावर इंजन से लैस था। साथ ही पहली SUV स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल थी, जो मिलिट्री कारों से अलग दिखती थी। इस कड़ी की आखिरी जीप बनी महिंद्रा मेजर। गाड़ियां तो नई नई लॉन्च होती जा रही थी। 1990 के बाद जीप की डिमांड में कमी आ गई। 21वीं सदी के शुरुआत में बोलेरो और स्कॉर्पियो ने मार्केट पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिससे कि जीप की प्रसिद्धि और भी ज्यादा घटने लगी। ऐसे में कार के दीवानों के लिए अक्टूबर 2010 में आया ऑफ रोडिंग का किंग महिंद्रा थार। यह एक खिचड़ी कार थी, यानी स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 से इंस्पायर्ड एक बेहतरीन कार। थार के इस मॉडल का पहला अपडेट साल 2015 में आया। इसमें गाड़ी का लुक बदल गया और BS4 मानकों वाले नए रूप में लाया गया। इसके बाद महिंद्रा ने इसमें कई सारे बदलाव करके अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया, जो कि पहले वाले से बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और मार्केट में छा गया और लोगों के बीच में ये अपना जादू चलाने में कामयाब हो गया। लॉन्च होते ही थार इंडिया के बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन गया। वो समय था कोरोना का और लोगों को ये इतना पसंद आने लगा कि इसकी वेटिंग पीरियड 1 साल से लेकर 1.5 साल तक की हो गई। इसकी सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। जो कार एक समय में ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता था, आज लोग उसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज कर रहे हैं। यह डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों ऑप्शन में आता है और वेरिएंट की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट भी मिलते हैं, AX0 और दूसरा है LX। बात थार की कीमत की करें तो यह 10 लाख से 20 लाख तक की है। चूंकि यह मजबूत और लुभावनी कार है, जिससे इसका माइलेज 15.2 किलोमीटर पर लीटर तक है। इसकी लेंथ 3,985 mm है, इसका विड्थ 1,855 और हाइट 1,844 mm है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 57 लीटर की है। इसमें आगे की ओर डिस्क ब्रेक और पीछे की ओर ड्रम ब्रेक होता है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 226 mm है, जो कि उबड़ खाबड़ या फिर कीचड़ और खराब सड़कों पर चलने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण आज थार मार्केट में
छाया हुआ है और कार प्रेमियों के दिल पर राज कर रहा है। अभी 15 अगस्त 2023 को थार ई का प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी थार के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।